हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं अखिल मिश्रा आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ आज अपना रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज। लेकिन शुरू करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं उन सभी को आप लोगों को अच्छे से देखना है पहले, तभी लेक्चर ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अपना हम आज का लेक्चर क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन ही कर रहे थे। हमने बेसिक थ्योरी कम्प्लीट कर ली है इस चैप्टर की। हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार चैप्टर का नाम कि चैप्टर क्या है अपना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपको बहुत आराम से धीरे धीरे करके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते जाना है। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपके लेवल को बढ़ाते जाऊँ धीरे धीरे मैं, जिससे कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम का कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो संबंधित है रेशियो को, रेशियो प्रोपोर्शन से। वो है, मैं चैप्टर डाल दूँ पहले यहाँ पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि अब जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, आज का जो लेवल होगा अब तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं, उनसे काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम लेवल को अप ही करेंगे। 3 से 4 लेक्चर अभी और आएंगे रेशियो के, और उसमें हमारा अपना जो है कि रेशियो अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा इस आज के डेट का वो है कि दिया है, देखो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, चलिए एक बार क्वेश्चन में लिख देता हूँ। दिया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज़ वन रेशियो टू। इसको 1:2 भी बोलते हैं बहुत लोग, तो ध्यान दीजिए इसको 2 भी बोला जाता है। तो 1:2 कह रहा है कि इफ 5 इज एडेड इन बोथ, इस 5 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स, बोथ द नंबर्स, 5 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स, द रेशियो बिकेम, द रेशियो मीन्स न्यू रेशियो हो जाएगा ना, तो लिख देता हूँ द न्यू रेशियो बिकेम्स, ठीक है, बिकेम कितना हो रहा भाई, ये हो रहा है 3:5। कह रहा है कि नया रेशियो 3:5 हो जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर प्राप्त करने हैं, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहा है कि हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है और दो नंबर्स का रेशियो है। मान लो वो नंबर्स हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है। इन दोनों नंबर्स का रेशियो दिया गया है कितना, 3:5। कह रहा है कि 3:5 इनका रेशियो दिया गया है, और कह रहा है कि इसी नंबर में, इसी रेशियो में, इन दोनों नंबर्स के रेशियो में 5 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स। मतलब कह रहा है कि अगर इस नंबर में और इस नंबर में 5 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो हो जाता है हमारा, नहीं पहले रेशियो 1:2 दिया था, क्षमा कीजिएगा, 1:2 दिया था ना यहाँ पे, 1:2 दिया है। और कह रहा है 5 ऐड करने के बाद रेशियो 3:5 हो जाता है, मतलब 5 ऐड करने के बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:5। हमें नंबर निकालना, देखो भाई इस क्वेश्चन सॉल्व है बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। देखो इसको क्वेश्चन थोड़ा दो तरीके से मैं लगाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा एक मेथड, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके इस टाइप के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से होते जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले टाइप 1 से हम कैसे करेंगे, मेथड 1 से करते हैं पहले, फर्स्ट टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दो नंबर का रेशियो देखो लिखा गया है, इस पैटर्न पे आप लिख लो, लिख लिया कि पहले रेशियो का, पहले जो नंबर्स का रेशियो था 1:2 था, बाद में 5 ऐड करने के बाद ये 3:5 हो गया। अब कह रहा है कि नंबर निकालना है, देखो बहुत आसान। तो ज़रा बताओ, ये मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जैसे मान लो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
इनके बीच का रेशियो कितना होगा, 2:3 ही होगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों नंबर्स में 10 ऐड कर दिया गया, कितना ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया गया, ध्यान देना भाई, अगर इसमें प्लस 10 कर दीजिए और इसमें भी प्लस 10 कर दीजिए तो नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। इतनी बात समझ में आई कि हमारे पास दो नंबर थे 2 और 3, और इसमें हम 10 ऐड करते हैं दोनों में तो नंबर हमारे 12 और 13 हो जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहले जब ये नंबर 2 और 3 थे इनके बीच का डिफरेंस कितना था, तो आप कहोगे सर एक था डिफरेंस, एक डिफरेंस था। अब बताओ 10 ऐड करने के बाद दो जो नंबर बने हैं 12 और 13 उनमें कितना का अंतर है, तो आप कहोगे सर एक का ही अंतर है, कहेंगे एक का ही अंतर है। तो हमने देखा कि नंबर कुछ भी हो और उसमें नंबर जो इनिशियल होंगे उनके भी जो डिफरेंस होगा वो उन दो नंबर में सेम नंबर्स जोड़ने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनके बीच का डिफरेंस भी वही होगा। कहने का मतलब आसान शब्दों में कि किसी रेशियो के बीच, किसी रेशियो में दो क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा यदि दोनों क्वांटिटीज़ में हम सेम नंबर्स को ऐड करते हैं। ये बात समझे। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनका रेशियो इनिशियली 1:2 था, फाइनली 3:5 है। तो ज़रा बताओ इनिशियली इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हमने देखा कि 1 का डिफरेंस है, और इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, क्योंकि 5 और 3 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हम इसमें सेम नंबर को ऐड किए हैं, वो 5 ऐड किए थे हम, अगर 5 ऐड करने के बाद ये नंबर इतना बन रहा है तो डिफरेंस तो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम नंबर आता है। देखो सब्ट्रैक्शन के साथ भी वही, अगर 10 माइनस भी कर दोगे तब भी जो वैल्यूज आएगी उनके बीच में डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसमें रेशियो चेंज हो सकता है। देखिए जैसे कि ऐड करने पे पहले 2:3 था, ऐड करने के बाद 12:13 हो गया, रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि डिफरेंस कॉमन रह रहा है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने हैं करते हैं अगर किसी रेशियो के क्वांटिटीज़ में, तो रेशियो की पूरी वैल्यू सेम रहती है। समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा रेशियो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। जब हमारा डिफरेंस जो चेंज हो रहा है तो डिफरेंस को सेम करना चाहिए हमें, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस को सेम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, वहाँ 1 का डिफरेंस है, तो अगर इसके डिफरेंस में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 का डिफरेंस हो जाएगा और सेम हो जाएगा। लेकिन जब 2 का मल्टीप्लाई डिफरेंस में करेंगे तो इस रेशियो में भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, इसमें हो जाएगा कितना, 2/4। तो मतलब अब नया रेशियो का क्या बन रहा है, इस नंबर का, आपके नंबर का नया रेशियो 2/4 बन रहा है, और आपका पुराना रेशियो 3/5 आया ही था पहले। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो रेशियो हो रहा है वो 2:3 हो रहा है, अंश का, और हर में जो रेशियो हो रहा है वो 4:5 तक चेंज हो रहा है। जो चेंजिंग आ रहा है अंश में कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज होकर ये 3 हो जा रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, और हर में कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके अंश में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 बन जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा। लेकिन 3:5 रेशियो बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने 5 को ऐड किया है, 5 को ऐड किया है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 को ऐड करने पे भी ये वैल्यू आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट है, इसके भी डिफरेंस कितना यूनिट का है, अंश अंश का और हर हर का, तो 1 यूनिट का है। तो हम कह सकते हैं कि इस रेशियो से इस रेशियो बनने में 5 को ऐड किया गया है, तो यही रेशियो तो ये है भैया, मतलब इस रेशियो से भी यही रेशियो बन रहा, तो हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे 1 ही ऐड हो रहा है। तो कह सकते हैं कि रेशियो को चेंज करने में जितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है वो एग्जैक्टली 5 के बराबर ही है। मतलब कोई ये संख्या 1:2 है वो संख्या नहीं है, वो दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड है, उनका रेशियो है, वो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, संख्या अभी निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे भी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो ये 1 यूनिट है ये कहीं ना कहीं 5 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है ना कि 5 ऐड किया गया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक ऐड करने के बाद भी वैल्यू आ रही है।
तो ये एक यूनिट की जो डिफरेंस है ना वो 5 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस आपको 5 के बराबर मिल गया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर्स, इनिशियल नंबर्स पूछ रहा है। तो देखो इनिशियल नंबर की अगर बात करें तो हमने देखा था कि जो इनिशियल नंबर, जो फर्स्ट नंबर यही तो था, यही तो बन क्या था ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो ये सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर जो रेशियो, ये 2:4 बना था जब हम डिफरेंस को सेम किए थे, तो ये फर्स्ट का जो पार्ट था वो 2:0 के बराबर था, अब सेकेंड का पार्ट 4:0 के बराबर था। कहने मतलब फर्स्ट का पार्ट टू यूनिट, फर्स्ट का पार्ट 2 यूनिट के बराबर है और सेकेंड का पार्ट 4 यूनिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 2 यूनिट्स, इट विल बी 2 × 5, दैट बिकम 10, ठीक है। ऐसे सेकेंड नंबर 4 यूनिट के बराबर है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 5, इट विल बी 20। तो देखो मैंने पहले बोला था ना कि इनका रेशियो है, रिमेंबर्स का फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 1:2 है, ये नंबर्स नहीं है 1 और 2, ठीक है। नंबर्स कौन से आए हैं, देखो नंबर आपका आया फर्स्ट का 10 और सेकेंड का 20, ठीक है। तो ये मेथड है इसको लगाने का। एक मेथड और बताऊंगा आपको, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा आसान लगे क्योंकि मैं भी वही प्रिफर करता हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको ये चीज़ समझाया। तो देखो क्वेश्चन मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से इसी मेथड से। पहले देखो दिया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2, इफ 5 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स द न्यू बिकेम द न्यू रेशियो, रेशियो 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 यहाँ रेशियो छोटा है, द न्यू रेशियो बिकेम 3:5, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर निकालने हैं। तो हमें दिया क्या है, पहला दूसरा नंबर का रेशियो 1:2 दिया है, 5 जोड़ने के बाद रेशियो हो जा रहा है 3/5, 3:5। अब हमने देखा कि जोड़ने और घटाने पे कोई संख्या को किसी रेशियो में सेम संख्या जोड़ो घटाओगे तो रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जोड़ने के बाद जो 3:5 आ रहा है उनके बीच जो रेशियो में जो डिफरेंस है वो 2 का है, और यहाँ पे जो रेशियोज में डिफरेंस है वो 1 का है। तो डिफरेंस आ रहा था रेशियोज के डिफरेंस में, तो हमने क्या काम किया, उसको इक्वेट किया, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 1 का डिफरेंस था, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेशियो में भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये हो गया 2/4, क्योंकि अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई और हर में भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 2/2:4 आ गया। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अब हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशियो इनिशियली 2 था और फाइनली 3 हो गया अंश का पार्ट, और हर का पार्ट 4 था और फाइनली हो गया 5 का पार्ट, तो दोनों जो देख रहे हैं अंश अंश में डिफरेंस आ रहा 1 का और हर हर में डिफरेंस आ रहा वो भी 1 का। लेकिन आप ये भी कह सकते, अच्छा मतलब आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 2 में 1 जोड़ दिया गया तो 3 आया और 4 में 1 जोड़ दिया गया तो 5 आया, मतलब इस रेशियो में अंश में 1 जोड़ा गया और हर में भी 1 जोड़ा गया, मतलब इस रेशियो में दोनों संख्याओं में 1 1 ऐड किया गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि 5 ऐड किया गया, तो हमने कह दिया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। जब 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आ गया तो हमें इनिशियल फर्स्ट नंबर हमारा कितना के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है, तो 2 यूनिट इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 × 5 = 10 नंबर आ गया। अच्छा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट्स के बराबर, तो 4 × 5 = 20, ये हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस मेथड का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा साइड। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा मैं अब सेकेंड मेथड की बात कर लूँ, सेकेंड मेथड देखो थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, मैं आपको सेकेंड मेथड से भी करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को सेम, और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले, आज लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा उस चीज़ को, थोड़ा आप धैर्य बना के रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। चलो इसको मैं बोलता हूँ डोम मेथड, इसको मैं क्या लेता हूँ, डोम मेथड नाम देता हूँ, डोम जानते हैं, जैसे मैं सिलिंड्रिकल डोम, डोम का शेप कुछ ऐसा होता है, ऊपर गुंबद नुमा होता है ऐसे, लेकिन मैं इसको कंप्लीट डोम बोलूँगा तो कुछ ऐसा होगा, ये इस टाइप, इसको डोम टाइप है, इसी शेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो देखो दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, मान लीजिए दो नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड था, फर्स्ट नंबर
और सेकेंड नंबर, इनके बीच का रेशियो दिया था कितना इनिशियली, 1:2, ठीक है। और कह रहा था कि इसको देखो, देखो लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका समझ लेना। कह रहा था कि इसमें 5 जोड़ा गया दोनों नंबर में, है ना, ए और बी, फर्स्ट और सेकंड में 5 जोड़ा गया, तो इसमें प्लस 5 लिखो और इसमें भी प्लस 5 लिखो। लिख लिया इस तरीके से, लिखते हैं तो नया रेशियो कितना हो जाता है, 3:5। नया कितना हो जाता है, 3:5। आपका काम लगभग हो गया, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा इस तरह से लिखो और इन रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई और इस रेशियो जो नंबर ऐड किए उनका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो ज़रा बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसमें कितना आएगा 5, और 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। ऐसा 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस 15। देखो जोड़ रहे इसमें प्लस रखेंगे, घटाएंगे तो हम माइनस साइन लगा देते। कभी कभी ऐसा होता ना कि इसमें जोड़ते हैं और इसमें घटाते हैं, मतलब पहली संख्या में से 5 घटा दिया, दूसरी संख्या में 5 जोड़ दिया, तो रेशियो ये हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम साइन सही दिखाते हैं, अगर दोनों जोड़ रहे हैं या दोनों में सेम संख्या घटा रहा है तो साइन नहीं लगाएंगे चलेगा। जैसे यहाँ पे 5-5 जोड़ रहे थे तो आप साइन नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर लगाऊंगा, आप भी लगाइएगा, आसान रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ करेगी। तो देखिए 5 ऐड किए, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15, इसमें 5 + 25 + 25 ये आ गया। इस तरह से नंबर्स को आप लिख लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा बताओ, जो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने जो वैल्यूज़ आई थी रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बताओगे सर 1 का डिफरेंस है। अब मैं पूछूँ सर बताओ इसमें कितना डिफरेंस आया, तो आप बताओगे सर इनके इनके बीच डिफरेंस 10 का है। आप साइन नहीं देखना, डिफरेंस बोल रहा हूँ, अंतर पूछो। देखो अंतर, देखो मैं तुम्हें बता दूँ अंतर और घटाने में क्या अंतर होता है। डिफरेंस में एक देखो, एक साइन होता है a-b का और एक होता है a·b का, इन दोनों में अंतर है, समझ लो क्या होता है, बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो एक कोई संख्या है 10 और b है कोई संख्या 11, इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। लेकिन इन संख्याओं का जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा 1। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ी में से छोटी घटना। ए डिफरेंस बी का मतलब है बी डिफरेंस ए, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडेबल है डायरेक्टली, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये नहीं है कि ए माइनस बी, कत्ता ही नहीं। हमेशा ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए और बी में जो अंतर है ना वो कितने का है, ये नहीं है कौन बड़ा है, तो माइनस वन का अंतर है कि प्लस वन का अंतर, कुछ नहीं। विदाउट साइन, केवल घटा के विदाउट साइन लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखो मॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, अगर वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो ये कितनी वैल्यू देगा मॉड -1, तो उसकी वैल्यू जाएगी +1। अगर ये वैल्यू ऐसी होती, ये 11 होता और ये 10 होता, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, +1 आती। तो यहाँ पे +1 रखते या ना रखते कोई दिक्कत नहीं था, तो ये वैल्यू कितनी देता, 1 ही देता, ठीक है। तो ये डिफरेंस और मॉड का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बता दिया मैंने एक्स्ट्रा, नहीं अभी क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो जो ये क्वेश्चन था, तो हमने देखो अब तक हमने क्या किया, रेशियोज का मल्टीप्लाई किया, लिखा इस तरह से, लिखने का तरीका देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो फर्स्ट वाले के ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो सेकेंड वाले के ऊपर, देखो ऊपर लिखना है इसके, ठीक है। ऐसे इसमें मल्टी रेशियोज़ में और जो नंबर सेट किए उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई इस 5 में तो 15 इसके नीचे लिखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में तो 25 इसके नीचे लिखे हैं, समझ रहे हैं। तो कैसे लिखना वो थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं है इसके बाद। तो अब देखो इसमें डिफरेंस में निकाला, ऊपर में तो देखा 1 का डिफरेंस है, नीचे वाले नंबर्स में देखा तो 10 का डिफरेंस है, तो हम देख सकते हैं कि 1 यूनिट ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है, वो इक्विवेलेंट है नीचे वाले डिफरेंस के 10 के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, कहने का मतलब डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 10 यूनिट, बराबर ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो नंबर्स आ रहे हैं ना, एक मतलब फर्स्ट के लिए आया है ये नंबर, और ये नंबर सेकंड के लिए आया है। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ट्रिक है, ट्रिक जैसा समझेंगे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई मतलब नहीं उतना जानने का हमें, ठीक है। हम
बस क्वेश्चन लगाना सीख रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से जल्दी लगा सकें। ठीक है, तो हमने देखा क्या किया हमने कि हम मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यूज़ आई हैं उनका डिफरेंस लिया, तो ऊपर वाले में डिफरेंस 1 का आ रहा है तो नीचे डिफरेंस में 10 का आ रहा था। हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो नीचे वाले के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई आपको 10। ठीक भैया, अब आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर्स। तो जब बताओ इनिशियली नंबर्स कितने कितने के रेशियो में थे, 1:2 के रेशियो में थे। मतलब इनिशियली फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना था, 1 यूनिट के बराबर था। और आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 10। इनिशियली फर्स्ट नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे सेकेंड नंबर कितना था, 2 यूनिट्स के बराबर था। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 10 इज इक्वल टू व्हाट, 20। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 and 20। तो इसको मैं कहता हूँ डोम मेथड। देखो कुछ ना कुछ डोम की तरह बनाया ना इसका शेप, देखिए। और ये डोम मेथड बहुत ही कारगर है भाई, बता रहा हूँ मैं, बहुत ही मतलब इफेक्टिव है, आपको बहुत सारी चीज़ें आसान कर दिया। आप पिछले क्वेश्चन में देखो थोड़ा कितना बड़ा क्वेश्चन करके लगाए थे, हालांकि लगाया है बहुत छोटे में जा सकता है उसको, आपको समझाने के लिए मैंने बहुत डिटेल में बताया उसको। अगर मुझे लगाना होगा तो विद इन 10 to 15 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे उसको लगाने में। ऐसे इस डोम मेथड से भी इस चीज़ को अगर लगाया जाए तो आप बहुत आसान, क्या करना है, दो नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखना है, डिफरेंस को नीचे, डिफरेंस है एडिशन को नंबर्स को नीचे लिखना है, ए के नीचे ए का डिफरेंस और एडिशन, बी के नीचे बी का डिफरेंस और एडिशन, जो भी किया जो भी आप किए होंगे उसको लिखेंगे। और इसके बाद फिर रेशियोज़ को इस टर्म में इस फॉर्मेट में लिखना है। रेशियोज़ को लिखने के बाद क्या करना है, रेशियोज़ का रेशियोज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ऐसे ही नीचे वाले रेशियो और जो नंबर्स ऐड किए हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस मेथड से इसको लिखना है। कैसे लिखना है, 5 का +5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 25 लिखेंगे, 5 का इसमें 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो वैल्यूज आएंगी, एक मिनट, जो वैल्यूज आएंगी उसको आप डिफरेंस कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, जो भी वैल्यूज डिफरेंस में आएगा उसको क्या करेंगे आप, हम देख रहे हैं ऊपर वाले का डिफरेंस और नीचे वाला डिफरेंस बराबर कर देंगे। तो 1 यूनिट का डिफरेंस 10 है, तो फर्स्ट नंबर निकालना है, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर की वैल्यू जो है कि 1 यूनिट के बराबर है, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर 2 यूनिट के बराबर है, तो सेकंड नंबर 2 यूनिट के बराबर है, तो 2 × 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10, तो 2 यूनिट वैल्यू जाएगी 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन है आज करने के लिए हमारे पास, देखिए कितना कर पाते हैं हम विद इन टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा टू नंबर्स आर इन द रेशियो। देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी में बता दूंगा मैं क्वेश्चन को। कह रहा टू नंबर्स आर इन, देखो मतलब दो नंबर है, चलो फर्स्ट एंड सेकेंड, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, कितना कह रहा है, 3:5 कह रहा है, 3:5, या इसको 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो रेशियो में ही लिख लो कोई बात नहीं, रेशियो में ही लिखते हैं, चलो 3:5 कह रहा है। इसके बाद इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स द न्यू रेशियो बिकम 12:13 कह रहा है कि इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब फर्स्ट नंबर में से भी 7 को माइनस किया गया और सेकंड नंबर में से भी 7 को माइनस किया गया, तो जो नया रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 12:13। तो कह रहा फाइंड द नंबर्स, बिल्कुल आसान, बहुत आसान, पुराने क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो हम डोम मेथड से लगाए, चाहे डिफरेंस वाले से लगाए आप डिसाइड कर लेना, लेकिन मैं डोम से लगा रहा हूँ, मैं तो कहूँगा आप भी डोम से लगाइए।
तो आसानी से क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन देखो करना है एग्ज़ाम में, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आना, छोड़ के नहीं आना है। आपको पता होगा, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना है। आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है आप उसको फॉलो करिए। मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि आप दो मेथड फॉलो करिए, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं दोनों मेथड बता दिया हूँ। चलिए एक बार इसको मैं डोम्स लगा रहा हूँ, आप लोग इसको डिफरेंस भी ट्राई करिएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्या देखो भाई, पहला नंबर जब डोम बनाते हैं फिर इसको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखिए फर्स्ट नंबर, यहाँ लिखिए सेकंड नंबर। तो डोम के लिए कितना वैल्यू दे रही है, फर्स्ट में 3:5 दे रहा है ना, पहले रेशियो कितना था 3:5 था, और बाद में रेशियो हो जा रहा है कितना, 12:13 है। ठीक है, और क्या करने के बाद, तो 7 को माइनस करने के बाद ना, तो 7 को माइनस करने के बाद ये देखिए ये है, ये हमारा डोम बन जाएगा। अब क्या करना है, बहुत आसान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताओ भाई, 30 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 39, 12 में 5 60, यही ना। डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, डिफरेंस भी लिखिए चलो इसी तरह तुरंत तुरंत, 21 का आ रहा है क्या, हाँ 9 1 0 3 2 5 1 6। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, इसमें 13:7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 91 माइनस में ना, और 12 7 84 आएगा ना, ये वैल्यू लिखी गई। अब इसको क्या करो, इसमें मैं डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस आ रहा भाई, 7 का डिफरेंस आ रहा, देखो 7 का, 84 में 7 जोड़ेंगे 91 आ जाएगा, माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस 7 का आ रहा है। साइन नहीं लिखना है, साइन तब ज़रूरत पड़ेगी जब इसमें जोड़ते इसमें घटाते, अगर यहाँ साइन अगर आप नहीं भी लिखते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि चीज़ से सेम चीज़ें हो रही ना, घटा ही रहे हैं दोनों में से सेम नंबर, अगर डिफरेंस अलग अलग नंबर घटाते तब भी लिखना पड़ता, अगर ये मैग्नीट्यूड और साइन सेम हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंस किसी एक चीज़ में भी हो तो आप लिखेंगे। अब बात समझ में आ गई, चलो तो अब बताओ यहाँ से फिर, अब बहुत आसान, इस क्वेश्चन को इधर लेके आते हैं हम, उधर स्पेस कम है, तो हम देख सकते हैं कि 7 यूनिट बराबर 21 या फिर 21 यूनिट बराबर 7, कुछ भी कहिए, हम इससे लिखते हैं 7 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 21, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 21/7 इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई 1 यूनिट की। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बताओ, फर्स्ट नंबर के इनिशियल में कितने यूनिट्स थे, 3 यूनिट, तो बताओ फर्स्ट नंबर कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू कितना है 9। ऐसे ही सेकंड नंबर की यूनिट कितनी है 5 यूनिट्स के बराबर है सेकंड नंबर रेशियो में, तो 5 इंटू यूनिट की वैल्यू 3 रख दो उसमें भी 15, तुम्हारा आंसर क्या आया 9 and 15 हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर हो गया। इस बार एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं सारे हट गया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए ज़रा, कि अब कभी कभी अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूँ कि बताओ 7 को माइनस करने के बाद जो रेशियो जो संख्या बन रही है वो कितना बन रही है, तो अब क्या करेंगे, इसी में 7 माइनस कर दीजिए, इसी में 7 माइनस कर दीजिए। तो नहीं है, सॉरी, कह रहा है कि अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि अगर 7 को माइनस करना हो, माइनस ही कर रहे हैं ना, एक मिनट को, हाँ ठीक है, अगर 7 को माइनस करना हो तो रेशियो कितना कितना बनेगा, तो देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला कि बहुत लोग क्या करेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, 1 यूनिट वैल्यू कितने निकाले हैं 3, तो इसी में रख देंगे, 12 यूनिट बराबर कितना आएगा, बढ़ती हैं 36, और ऐसे ही 13 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो क्या करेंगे 13 3 39, तो 36 39 नंबर निकालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, बहुत की पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये रेशियो निकालने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, जब भी आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमेशा इसकी वैल्यू केवल इसी पे हिट करेंगे, इस पे कतई नहीं करेंगे, दूसरा रेशियो रिजल्ट है इसका, ये रेशियो इसी से निकल के आया है, इसका जो भी आप ये जो घटना घट रही ना प्लस माइनस वाली, वो इसके साथ घट रही है, इसके साथ नहीं घट रही, और जो ये वैल्यू निकल के आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ना, जो यूनिट है इसका असर सीधा इससे है,
ना कि इससे, मतलब इसका और इसका दोनों का असर केवल पेरेंट रेशियो से है। इसको बोलते हैं पेरेंट रेशियो, मतलब मातृ या पितृ जो भी कह सकते हैं आप, पेरेंट रेशियो जब इसी से निकल के आया है, ये ऐसा कहीं कहीं बच्चा है देखा जाए तो, माता पिता यही हैं, क्योंकि इनसे निकलने के बाद घटनाएं कुछ घटने के बाद सात प्लस माइनस होने के बाद ही बन के आ रहा है। इसलिए जब भी आपको कुछ करना हो इसमें करिए, इससे वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू निकल जाए उसमें सात ऐड करना हो, इसी में ऐड आउट करके घटा उठा के जो भी करना हो, जोड़ना घटाना हो आप करके रखिए, तो वैल्यू ठीक आएगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली, समझ रहे। अब इसको मैं एक बार अच्छे से एक अच्छे क्वेश्चन में आपको एक इनकम वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, आगे और क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी स्टेप बाय स्टेप, हैं तो आप परेशान नहीं होइए, बस जितना समझाने की कोशिश करो उतना समझते चलिए अभी, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया है, और जो क्वेश्चन है ना वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे ये क्वेश्चन जो था ये केवल इनिशियल वैल्यू निकालने वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अभी मैं फाइनल वैल्यूज कैसे मतलब निकालते हैं उसको सिखाऊंगा, उस पर क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया है। उस क्वेश्चन को जब आप करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये डिफरेंस आता है, अगर हम डायरेक्टली रेशियो वन यूनिट की वैल्यू जो नीचे दी हुई है रेशियो अगर उसमें रखते हैं और सीरियस वैल्यू निकालते हैं तो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे अपना। चलो देखिए, अभी हम इनकम वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम इनकम की बात करते हैं, इनकम वाला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है नहीं, अभी तो काफ़ी कुछ सीखना है बीच में, ठीक है, तब उसको हम हैंडल करेंगे। चलो देखो, कह रहा है कि फाइंड द नंबर मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स रेशियो फाइव रेशियो, देखो हाँ ध्यान दो, मैं समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को। कह रहा है कि फाइव रेशियो नाइन का एक रेशियो दिया हुआ है और इस रेशियो में कुछ ऐड किया गया है या कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया, देखते हैं क्या कहा है। कह रहा है कि ऐड किया गया है, क्या इसमें इस रेशियो में कुछ ऐसा ऐड किया गया है जिससे नया रेशियो आपका निकल के आता है, वो होता है 3:5 का, नी रेशियो 3:5 बनता है। तो देखो अब तक क्या था कि अब तक आपको क्या दिया होता था कि फर्स्ट रेशियो इनिशियल रेशियो देता था और जो संख्या ऐड करते थे, जो संख्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरा रेशियो बनता था वो दिया होता था और पूछता था आपकी इनिशियल फर्स्ट और सेकंड नंबर्स। लेकिन अभी ये नहीं पूछ रहा, अभी ये नहीं पूछ रहा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये तो रेशियो इनिशियली है ही दो मेंबर्स का और इनको कुछ ऐड करने के बाद वो ये बनता है, तो जो कुछ ऐड करते हो ना, जो एक्स ऐड करते हो, यही पूछ रहा है कि कितना ऐड करते हो कि ये होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट डिफरेंस वाले मेथड से भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप डोम से भी कर सकते हो, तो चलो मैं डोम से करता हूँ, आपको आसानी होगी और डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा जल्दी लग जाए, लेकिन हम डोम से कर रहे हैं तो डोम को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था भैया, उसका रेशियो और सेकेंड नंबर का रेशियो, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो इनिशियली कितना था, 5:9 का, ठीक है। कह रहा है कि इसमें एक संख्या ऐड की जाती है, सेम दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स ऐड कर रहे हैं, हमको यही पूछ रहा है, एक्स ऐड करते हैं तो जो हमारा जो रेशियो बन जाता है कितना, 3:5 का। तो पूछ रहा है कि एक्स कितना है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान, कोई दिमाग नहीं लगाना है, डोम बनाओ फटाफट। डोम कैसे बनेगा, 5 5 जा 25 27, यही आया ना, डिफरेंस कितने का भैया, डिफरेंस आया 2 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5x इसकी वैल्यू आएगी, 3x इसकी वैल्यू आएगी, 3 में x की मल्टीप्लाई करने पर 3x, 5 में x का मल्टीप्लाई करने पर 5x। अब इनका इनके बीच का डिफरेंस कितना आया साहब, 2x का डिफरेंस आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, 2x का डिफरेंस, 2x यूनिट इज इक्वल टू 2k, यही तो है, 2x बराबर 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/2 इज इक्वल टू कितना, 1। कहने मतलब हमारे x की सीधी वैल्यू, देखो यहाँ पे x क्या था, कोई नंबर था, रेशियो नहीं था, तो यहाँ पे जो
एक्स की वैल्यू आएगी, रेशियो नहीं आएगी, सीधा सीधा नंबर आएगा, क्योंकि एक नंबर ऐड कर रहा था ना, तो ये वैल्यू इतनी हो रही थी, रेशियो बल चेंज होकर इतना हो रहा था, तो वो एक्स ही सीधा रखे थे यहाँ पे रेशियो, तो जैसे यहाँ पे तो हमें रेशियो रखे थे, लेकिन यहाँ पे हम सीधा नंबर रखते हैं, जब सीधा नंबर रखते हैं तो हम सीधा यहाँ से नंबर ही गेन करेंगे ना, तो वन। तो अगर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर इस रेशियो में, अगर अंश और हर में फाइव और नौ जो रेशियो, जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर आ रहा है, फर्स्ट में भी वन ऐड कर दो और सेकेंड नंबर में भी वन ऐड कर दो, तो जो इनकी रेशियो हो वो 5:9 से बदल करके 3:5 हो जाएगी। ये हमारा आंसर सॉल्व हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा यही पूछा जा रहा था डोम से। देखो कितना आसान तरीके से लगा, एक ही पटन पे सारे क्वेश्चन लगते जा रहे हैं, ठीक है। आप आसानी से करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो एक बार और समझा देते हैं किया क्या है। दिया था हमारा दो नंबर है, उनका रेशियो इनिशियली 5:9 है, कह रहा कुछ ऐड करने पे, देखिए ये भी याद ध्यान रखना, ऐड किया गया है। अगर बोल दिया जाता कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे तब क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस लगा दे तो माइनस, और सेम क्वांटिटी होती तो माइनस नहीं लगा दे तब भी वैल्यू यही आती निकल के, चाहे इतना सब ऐड करते इतना सब्ट्रैक्ट करते सेम वैल्यू आती, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैंने बताया, अगर मान लो यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू ऐड करते तब जो है कि, और इसमें मान लो ये माइनस करते ये प्लस करते तब आपको लिखने की ज़रूरत होती विद साइन, लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ को ऐड किया जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की साइन की, मैंने प्लस इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हमें आगे मिल जाएगा जिसमें हम चेंजेस करेंगे, मतलब इसमें अलग वैल्यू ऐड करेंगे, इसमें अलग वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर इसमें ऐड करेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम वैल्यूज से, तो कुछ भी करेंगे आगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो उसमें आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आसान थोड़ा चल रहा है, चलने दीजिए इसको, ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ एक बार फिर से, हमारे पास दो नंबर्स था इनिशियली 5:9 और इसमें कुछ ऐड किया गया तो ये नंबर हो गया, ये रेशियो हो गया 3:5 का, तो हमने तुरंत डोम बनाया इनिशियली 5:9, 3:5, तो उसमें सेम नंबर ऐड किया एक्स एक्स, हमारा पैटर्न लिखने का यही था, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न समझाया है कि रेशियो का रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो 5 का 5 में 25 ऊपर लिखो, 3 का 9 में 27 उसको ऊपर लिखो, और ऐसे 3 का x में 3x, 5 का x में 5x, तो इन दोनों को इस तरह से रख के इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 2x का आया, तो 2x का डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल टू है, 2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 2/2 = 1 आएगा। ये हमारा डोम मेथड से क्वेश्चन लग गया, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना। चलिए हाँ ये तो हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैं आपको लिए कर देता हूँ, आप करिएगा उसको, ठीक है, खुद से करिएगा। कह रहा है एक नंबर है उसमें से कह रहा है क्या घटाया जाए, सॉरी कह रहा है फाइंड द नंबर्स दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टर्म ऑफ, हाँ ठीक है, देखो एक रेशियो दिया है 10:13, एक रेशियो दिया है 10:13, आपको देखो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है इस चीज़ की। तो 10:13 एक नंबर का इनिशियली दो नंबर्स का रेशियो दिया है 10:13 और कह रहा है कि इसमें क्या घटाया जाए, आपके पास ध्यान देना है, सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, कह रहा है क्या माइनस किया जाए जिससे इन नंबर्स का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाए, यानी मतलब ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो है और इनका इनिशियल रेशियो इतना है 10:13, उसमें क्या माइनस की जाए तो रेशियो इतना हो जाए, इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को आप के लिए होमवर्क है, सो खुद करेंगे आप। तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का लेवल अप करता हूँ, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसके बाद हम करने चल रहे हैं उसको मैं कराऊंगा आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा खुद से, नहीं आएगा तो मैं कल इसको बताऊंगा ही, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तो बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा, कमेंट नीचे बोल दीजिएगा नहीं लग रहा है तब मैं लगा दूंगा इसको, ठीक है। चलिए कह रहा देयर आर
ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, कह रहा है एक ऑफिस है, एक ऑफिस है, चलो मान लो ये हमारा एक ऑफिस हो गया भैया, एक बॉक्स की तरह, कह रहा है इसमें असिस्टेंट्स हैं और ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट ए फॉर असिस्टेंट, ओ फॉर ऑफिसर, ठीक है। कह रहा है इफ 20 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, कह रहा है अगर 20 असिस्टेंट, मान लो इस ऑफिस से 20 असिस्टेंट निकल गए, 20 असिस्टेंट निकले ना, तो ए निकले, ए साहब निकले, मतलब ये निकले 20 असिस्टेंट निकल गए, माइनस हो गए 20 असिस्टेंट, कहाँ चले गए, छुट्टी पे चले गए, ठीक है। और कह रहा है कि तब उस कंडीशन में, उस कंडीशन में एक असिस्टेंट के पास थ्री ऑफिसर्स होते हैं, मतलब एक असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, असिस्टेंट मतलब सहायक, ऑफिसर मतलब अधिकारी, तो एक अधिकारी के पीछे, एक अधिकारी के पीछे तीन असिस्टेंट काम करते हैं, तीन अधिकारी के पीछे होना चाहिए ना, हाँ तीन अधिकारी के पीछे एक असिस्टेंट काम करता है। देखो भैया, मान लो कि कभी ऐसा हुआ हो कि एक ऑफिस रही हो उसमें मतलब कि असिस्टेंट भी हो और ऑफिसर भी होंगे, ठीक है, तो ऑफिसर और असिस्टेंट, मान लो सपोज दैट कि एक ऑफिसर के लिए जो है कि एक मतलब कि असिस्टेंट रखा गया है, और उसमें से मान लो कि 20 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, तो 20 ऑफिसर की, असिस्टेंट की कमी पड़ जाएगी, तो करेंगे क्या, जो असिस्टेंट अवेलेबल हैं, जो असिस्टेंट्स अवेलेबल हैं उन्हीं असिस्टेंट से क्या करना होगा, पहले वो एक ऑफिसर के लिए काम करते थे, अब मोर देन वन ऑफिसर के लिए काम करेंगे। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि जब 20 असिस्टेंट छुट्टी पे जाते हैं तो तीन ऑफिसर्स को एक असिस्टेंट को हैंडल करना पड़ता है, मतलब एक असिस्टेंट को तीन ऑफिसर की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, जो भी उनका काम हो, फाइल ले जाना, ये करना वो करना, जो भी हो उनका, ठीक है, तो एक असिस्टेंट वो तीन ऑफिसर के अंडर में आ जाता है, ठीक है, उसको वही टाइम तीन लोगों को देना है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, आफ्टर दैट, मतलब इसके बाद, मतलब इतनी घटना घट चुकी है, इसके बाद की घटना क्या घट रही है, आफ्टर दैट 80 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव, इसके बाद भैया देखो 80 ऑफिसर भी छुट्टी पे चले जाते हैं, 80 ऑफिसर भी छुट्टी पे निकल लिए भैया। अब क्या हो रहा है कि नाउ एवरी ऑफिसर हैज 7 असिस्टेंट, ध्यान देना 20 असिस्टेंट तो पहले से कम थे, तो उस कंडीशन पे तीन ऑफिसर में एक असिस्टेंट बच रहा था, अब कह रहे हैं कि 20 ऑफिसर छुट्टी पे निकल लिए, असिस्टेंट अभी भी छुट्टी पे ही हैं, कॉन्सेप्ट समझना, अभी 20 असिस्टेंट, क्योंकि आफ्टर दैट बोल रहा है, उसके बाद मतलब इसी कंडीशन के बाद, ऐसा नहीं ये 20 आते हैं फिर 80 जाते हैं, नहीं नहीं 20 गए हुए हैं 80 और जा रहे हैं, कह रहे हैं 80 असिस्टेंट छुट्टी पे निकल लेते हैं, जब 80 असिस्टेंट छुट्टी पे निकल देते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा है एक ऑफिसर के अंडर में 7 असिस्टेंट आ जाते हैं, कहने का मतलब अब ऑफिसर कम है असिस्टेंट ही ज़्यादा हैं, पहले केस में क्या था कि असिस्टेंट कम थे ऑफिसर ज़्यादा थे, तीन ऑफिसर पे एक असिस्टेंट पड़ रहा था, लेकिन अभी एक ऑफिसर पे 7 असिस्टेंट पड़ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है फाइंड आउट इनिशियल नंबर ऑफ असिस्टेंट, कह रहा है फाइंड आउट इनिशियल नंबर ऑफ असिस्टेंट। देखो इस क्वेश्चन को सुनने में तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसको हम आसान वे में करेंगे, देखो डोम बनाएंगे इसके लिए भी, चलो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ऑफिसर और यहाँ पे लिखते हैं असिस्टेंट, लिख लिए। देखो भैया क्या कह रहे हैं कि 20 ऑफिसर छुट्टी पे, सॉरी 20 असिस्टेंट इनिशियली छुट्टी पे गए हुए हैं, ये देखो 20 असिस्टेंट छुट्टी पे चले गए, 20 माइनस 20 कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो रेशियो बच रहा है ऑफिसर और असिस्टेंट का वो कितना हो जा रहा है, तीन ऑफिसर पे एक असिस्टेंट बच रहा है, तो ये रेशियो बन रहा है जब 20 में छुट्टी पे जा रहे हैं उसके बाद, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, थोड़ा उसको ऊपर लिखो क्योंकि थोड़ा लंबा जा सकता है नीचे, ये तो समझ लो कि इस लाइन के नीचे लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 80 ऑफिसर छुट्टी पे गए हैं, 80 ऑफिसर फिर छुट्टी, देखो ऑफिसर छुट्टी पे गए, 80 ऑफिसर छुट्टी पे चले गए, तो ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:7 का, मतलब अब एक ऑफिसर पे 7 असिस्टेंट अवेलेबल हैं, यही तो कह रहा है 1:7 का रेशियो हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि असिस्टेंट इनिशियली कितने हैं,
क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है भैया देखने में, लेकिन लगाएंगे बहुत आसान तरीके, आपको लगेगा कि यार साइज में बहुत आसान है ये। तो देखो समझना, कोशिश करना, पहले जो जो भी मतलब जो भी वैल्यू रही हो ऑफिसर के नंबर्स की और असिस्टेंट के नंबर्स की, उसमें से 20 असिस्टेंट चले गए तो रेशियो हो गया 3:1 का। और बाद में ध्यान देना, यही भी कॉन्सेप्ट है, आफ्टर दैट बाद में इसी कंडीशन से 80 ऑफिसर निकल जाते हैं छुट्टी पे, तो हो जाता है कि एक ऑफिसर के अंडर में 7 असिस्टेंट आ जाते हैं। तो चलो बताओ इस केस में यहाँ से यहाँ आने में कौन सी चीज़ चेंज नहीं हुई है? वो चेंज नहीं हुई है असिस्टेंट के नंबर्स की, क्योंकि जो 20 असिस्टेंट चले गए थे उसके बाद जो भी असिस्टेंट बचे थे वही असिस्टेंट तो अभी भी है ना, वही असिस्टेंट तो अभी भी है। तो लेकिन यहाँ पे अगर असिस्टेंट का नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेशियो देखो चेंज हो रहा है, 1:7 हो जा रहा है, तो क्या करना है? आपको असिस्टेंट के रेशियो को चेंज कर देना है। कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे ऑफिसर की वैल्यू बदलनी होगी। 80 जो भी मतलब इनिशियली देखो यहाँ पे क्या था, मान लो एक्स रहे होंगे ऑफिसर, और एक्स ही मान लेते हैं कि हमारे असिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 20 असिस्टेंट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी ऑफिसर पे कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी यहाँ पे ऑफिसर एक्स ही है, और यहाँ पे ऑफिसर कितने हो गए, यहाँ पे असिस्टेंट कितने हो गए, एक्स माइनस 20 हो गए, समझने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ से 80 ऑफिसर निकल जाते हैं, तो यहाँ से जब 80 निकलते हैं तो यहाँ पे एक्स माइनस 80 ऑफिसर बचते हैं, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे असिस्टेंट कितने होंगे, x-20। वो बाद की बात है, x-80 और x-20 का रेशियो 1:7 आ रहा है, वहाँ पे x और x-20 का रेशियो 3:1 आ रहा है, लेकिन नंबर्स तो सेम है ना असिस्टेंट का इस केस में, तो रेशियो के यूनिट्स को हम सेम करना होगा ना, क्योंकि अगर चीज़ें बराबर ही हैं तो यूनिट्स को सेम करना होगा। क्या करेंगे हम, बहुत आसान, यूनिट्स कैसे सेम करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ मैं, समझाने के लिए बताया था x की वैल्यू रख के। देखो इसको क्या करो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसके रेशियो में, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब बताओ यहां से यहां कितने लोग गए थे, 80 लोग, मतलब रेशियो जो था वो 21:7 का हो गया है अब यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ से असिस्टेंट नहीं जाए तो रेशियो 7 का ही 7 रहने दीजिए, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से अब रेशियो 21 था, 80 जाने के बाद रेशियो कितने में कन्वर्ट हो गया, 1 में। कहने का मतलब अब थोड़ा समझना आसान हो गया जब इसको हम सेम कर लिए हैं, तो अब हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर मान लो भैया कि इनिशियली आपके ऑफिसर इस कंडीशन पे 21 थे और इस कंडीशन पे आपके असिस्टेंट 7 थे, इसमें से 80 ऑफिसर चले गए, तो ये रेशियो आपका जो हो गया 1 यूनिट हो गया, इसमें से तो कोई नहीं गया ना, तो ये 7:7 ही रह गया। अब समझे क्यों सेम किए थे, तो अब बताओ जरा बताओ 21 से 1 रेशियो आने में कितने यूनिट की चेंजेस हो रही हैं? तो हम देख रहे हैं इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 यूनिट्स का आ रहा है, वो 20 यूनिट्स का आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली दिया गया है क्वेश्चन में कि 80 ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, 80 ऑफिसर्स की कमी आ रही है, यहाँ से हमने देखा कि 20 की कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो 20 यूनिट है वो 80 के बराबर है कि नहीं, 80 के बराबर है कि नहीं। अगर 80 के बराबर है तो यहाँ से 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, तो 1 यूनिट हो जाएगी 80/20 = कितना, 4k, मतलब 1 यूनिट हो जाएगी 4k इक्वल, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 4k इक्वल हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि असिस्टेंट की वैल्यू बताओ भैया इनिशियली, तो जरा बताओ असिस्टेंट की इनिशियल वैल्यू हम निकाल लेंगे, पहले जरा बताओ इस केस में असिस्टेंट कितने, इस केस में असिस्टेंट की कितनी वैल्यू होगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ से असिस्टेंट 7 यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं, तो 7 × 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 28 असिस्टेंट इस केस में है, कब है, लेकिन ये 28 असिस्टेंट कब हैं, जब 20 असिस्टेंट जा चुके हैं इनिशियली, इनिशियल से 20 जाने के बाद ये रेशियो बना था ना, ये वाला रेशियो इनिशियल से 20 जाने के बाद बना था। अब क्या है कि हमें पता चल गया है कि इस कंडीशन पे असिस्टेंट की वैल्यू 28 है, जब इस कंडीशन पे असिस्टेंट की वैल्यू 28 है तो पहले कितनी रही होगी, पहले कितनी होगी, इसमें 28 में आप जितने चले गए थे उतना ऐड कर दो,
तो इनिशियल स्ट्रेंथ आपको समझ आ जाएगी कितनी, मतलब टोटल एम्प्लॉई हैं मतलब असिस्टेंट के रूप में, तो कितने आएंगे 48, यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान था आपको समझाने के लिए, मैंने बहुत लंबा लगाया लेकिन बहुत आसानी से लगाया जा सकता है इसको। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ उसको आसान शब्दों में। कह रहा है कि एक ऑफिस था, उसमें कुछ असिस्टेंट और ऑफिसर रहे होंगे इनिशियली, जो भी उनका रेशियो हमें नहीं पता, जो भी नंबर हमें नहीं मालूम। कहता है कि 20 असिस्टेंट घर चले जाते हैं छुट्टी लेके। जब 20 असिस्टेंट चले जाते हैं तो ऑफिसर और असिस्टेंट के बीच जो रेशियो है वो 3:7 का बनता है। लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा दिया था कि 3 ऑफिसर पे एक असिस्टेंट बचता है, तो ठीक है 3:1 बच रहा है, ठीक है। और कहता है उसके बाद कि बाद में इसी के तुरंत बाद 80 ऑफिसर भी छुट्टी ले लेते हैं और वो घर निकल लेते हैं, तो जो उनका रेशियो होता है वो 1:7 होता है। लेकिन फिर लैंग्वेज क्वेश्चन में दिया है कि उस कंडीशन पे एक ऑफिसर के अंडर में 7 असिस्टेंट आ जाते हैं। बात वही है, ऑफिसर और असिस्टेंट में 1:7 का आंसर आ जाता, 7 का रेशियो आ जाता है। तो पूछता है कि बताओ असिस्टेंट का इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल नंबर्स क्या था, कितने असिस्टेंट के रूप में एम्प्लॉइज हैं। तो बहुत आसान, हमने देखा यहाँ से इस रेशियो से इस रेशियो होने में असिस्टेंट का नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास पहले 1:7 था, बाद में 7 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं पहले इस रेशियो को ही सेम कर लेते हैं, जिससे हमें समझना और आसान हो जाएगा। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7:7 हो जाता है, और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21:7 हो जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि 21:1 होता है जब 80 ऑफिसर चले जाते हैं, ऑफिसर के रेशियो में चेंज, ठीक है। और असिस्टेंट हमारे जो चले गए थे पहले ही चले गए थे, यहाँ तो कोई नहीं जा रहा, तो ये 7 था तो 7 ही रह जाएगा। देखो यूनिट्स चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से 21 यूनिट से एक यूनिट पे चेंजिंग हो रहा है जब 80 लोग जा रहे हैं, मतलब 20 का डिफरेंस आ रहा है जब 80 लोगों का अंतर हो रहा है। तो 20 यूनिट बराबर है 80 के, 20 यूनिट कितने के बराबर है, क्योंकि 20 कम हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली 80 कम हो रहे हैं घर जाने में, 80 ऑफिसर कम हो जा रहे हैं ना जब घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ऑफिसर बच रहे हैं, जितने थे उतने से 80 कम, जैसे x माइनस 80 मैंने लिखा था पहले, तो 80 कम हो रहे हैं, लेकिन हम देखा है रेशियो तो 20 की कमी हो रही है, 20 की कमी बराबर 80 की कमी के, तो 20 यूनिट बराबर 80, तो एक यूनिट बराबर कितना 4। और जब एक यूनिट निकल गया तो हमें निकालना है असिस्टेंट इनिशियली कितने हैं, तो असिस्टेंट हम देख रहे हैं पहले इस केस में तो असिस्टेंट 7 यूनिट्स के बराबर हैं, हमें पता है एक यूनिट बराबर 4 आया है तो 7 यूनिट बराबर 28 आ गया। लेकिन इनिशियली पूछ रहा है तो इनिशियली क्या करेंगे, बहुत आसान, हमें पता है कि पहले जितने भी थे उसमें से 20 जाने के बाद ये रेशियो बन के आ रहा था, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा इनिशियली कितने एम्प्लॉय असिस्टेंट के रूप में थे वो निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको। आप क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे, खुद से बनाइए, 2-3 क्वेश्चन बनाइए और खुद से लगाइए। जब आप क्वेश्चन बना के लगाएंगे ना, आपका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप प्रोफेशन की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये चीज़। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और आगे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ सामने आएंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।